स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, बाकी सारे एंट्रेंस भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चों की ये क्वेश्चन था कि सर हॉस्टल का आवंटन किस तरह से होता है, किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कितने लोगों को मिलता है, कितनी लड़कियों को मिलता है, कौन सी कैटेगरी वालों को मिलता है, कौन से स्ट्रीम वालों को कितने हॉस्टल कितने मतलब कितनी सीट्स होती हैं हॉस्टल में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, ना कि बीएड का बल्कि बाकी जितने भी अभी हॉस्टल की लिस्टें आई हैं जो पिछला सेशन था, ठीक है, उनकी मैं आपको सारी वीडियो में इसमें आपको पहले डिटेलिंग दूंगा कि किन किन बच्चों को हॉस्टल मिला और किन किन को नहीं मिला। ठीक है, किस किस तरह से मिला, ठीक है, किस बेस पे मिला उनको, ठीक है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था कि हमारा ये 28 अगस्त की नोटिफिकेशन थी, लेकिन हमारे पास आज ही पहुँची। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि बेस मतलब हर वेरियस रिमेनिंग कोर्सेज हैव बीन अलॉटेड द हॉस्टल ऑन द मेरिट बेसिस पे मिला। किस बेसिस पे? मेरिट बेस पे, जो आपका एंट्रांस हुआ था उस बेसिस पे आपको हॉस्टल का आवंटन हुआ। तो मैं जनरली वाले बात करूँगा बीएड वालों को, पहले बॉयज़ की बात करते हैं किस किस किन किन को मिला। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारा बीएड आर्ट्स के लिए, दो बच्चों को मिला। ठीक है, एक था हमारे जनरल कैटेगरी का और एक था हमारा जनरल कैटेगरी का लेकिन जो फिज़िकली हैंडीकैप था, उनको हॉस्टल मिला। ठीक है, मार्क्स कितने कितने थे? 101 इनके और 89 इनके। ओके, अब मार्क्स भी देख लिया, तो कुछ बच्चों को ये था कि कितने मार्क्स होने का मतलब सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो आप खुद देख लो कि किस किस बेसिस पे होता है। कॉमर्स में सिर्फ एक बच्चे को मिला। ठीक है, मेडिकल की बात आती है, मेडिकल में दो बच्चों को मिला, एक था हमारा जनरल कैटेगरी और एक हमारी एससी कैटेगरी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं नॉन मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल कितने लोगों को मिला? जनरल वाले 1 2 3 4 5 6 जनरल को मिला। कितने बॉयज़ को? 1 2 3 4 5 6 ऊपर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, गलत लिखा गया है। ठीक है, टोटल मिला कितने? इधर आठ लोगों को दिया हुआ है, लेकिन डबल डिग्री का केस अलग है, जिनकी दो बार डिग्री होती है उनको कुछ अलग सिस्टम होता है ना उनका, नॉन मेडिकल वाले का। ठीक है, तो इनको किस बेसिस पे मिला ये देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ जनरल कैटेगरी वालों को, ये तीनों जो है वो मतलब बीएड के इस टाइम स्टूडेंट नहीं है, आप ऊपर इन्हीं को मिला था, ये 1 2 3 4 5 जितने भी थे। अब जनरल कैटेगरी को तीन लड़कों को मिला और एक एससी कैटेगरी को मिला। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। और मार्क्स देखिए इनके कितने कितने, 107 102 102 101 69 भी है, लेकिन ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स वालों के लिए तीन बच्चों को, हिंदी के लिए चार। अब लड़कियों को मैं आपको बताता हूँ बीएड की लड़कियों के लिए, बाकी आप अपना अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें। लड़कियों की बात आती है तो मेडिकल में पांच लड़कियों को मिला। ठीक है, तो ये पांच लड़की कौन कौन थी? ये थे, अब इनके मार्क्स देखिए, 109 106 106 103 100 इनको मिला। ठीक है, अब कितने को? तीन जनरल कैटेगरी और एक एससी कैटेगरी को। ठीक है, ये एमएड के स्टूडेंट हैं, ये दो लास्ट के एमएड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, बीएड मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल 33 है, लेकिन ये मतलब अलग हैं। ठीक है, ये वाले ऊपर वाले हमारे जो आवंटन हुआ वो ये है। ठीक है, अब नॉन मेडिकल की बात आती है तो कितने की? इन्होंने 7 लोगों को बताया ऊपर कि नॉन मेडिकल में बीएड में 7 लड़कियों को हॉस्टल मिला। ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सारी लड़कियाँ जो है वो हमारी होस्ट हमारी क्लास की स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए मीनाक्षी 108 मार्क्स, नेहराना 105, इनके अकॉर्डिंग मतलब इनको मिल रहा कितनी लड़कियाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़कियाँ जनरल कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी और दो एसटी कैटेगरी। अब लड़कियाँ देख लें कि किस किस तरह से इनको हॉस्टल जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बीएड मेडिकल, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनको मिला। अब आगे देखते हैं बीएड आर्ट्स के लिए गर्ल्स को किन किन को मिला, ये कि तीन जनरल और एक एससी, यानी कि रिजर्व तो हर किसी में है। इसमें क्या था? दो जनरल और एक एससी, ये डबल डिग्री वाले अलग होते हैं, इनका केस अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा LLB के स्टूडेंट है, अपने अकॉर्डिंग जो अपना देख लें। ठीक है, अब इनमें मतलब मैं आपको चार्जेस बताता हूँ हॉस्टल की फ़ीस, मतलब दो मंथ के लिए अभी हॉस्टल मिला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया,
860 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 640 हमारी SC और ST कैटेगरी के लिए, और 15 दिन के अंदर ये करवाना है, वरना ऑटोमेटिकली जो अगले बच्चों को जो है वो हॉस्टल जो है आवंटन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी भी अपने अपने कैटेगरी देख लें, जिन वो इंग्लिश वाले देख लें किन किन को मिलता है, किस किस बेसिस पे मिलता है, आपके को भाई भाई बंधु होंगे वो सारे देख लें। ये था हमारी मेरी आज की थोड़ी बहुत आपके लिए जानकारी, यही था हॉस्टल किस किस तरह से मिलते, कितने कितने बच्चों को मिलते हैं, वो आप इस वीडियो में देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अपने अकॉर्डिंग जो है वो ये भी देख सकते हैं किन किन को कितने कितने मिला। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर माई साइड, आई होप मैंने वीडियो लास्ट तक देखी, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चों को तरह की वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किस किस तरह से HPU में काम धाम चलता है। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक आपके पास है, वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, मैं आपको हमेशा जो है जवाब देता हूँ। दिस इज़ करते हैं ख़त्म इसको, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।